दोस्तों ये मेरा लास्ट वीडियो भी हो सकता है, बस हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। मुझे कोई लोभ नहीं है ना कुछ और है, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मेरा आखिरी वीडियो हो सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए क्या क्या नहीं किया और मुझे क्या मिल रहा है उसके बदले, वो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्या क्या दिमाग लगा के किस किस तरह से मैंने ये 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है, अच्छा क्वालिटी कंटेंट देने के बावजूद भी सपोर्ट किस प्रकार से मिला, सपोर्ट के बारे में तो जितना भी मिला, 20,000 सब्सक्राइबर को भी मैं 20 मिलियन मानता हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया, इस बात के लिए तो मैं कभी भी अपने आप को उस तरह के फील मुझे अभी तक नहीं होता है कि नहीं आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं दिया। भाई सपोर्ट आप लोगों ने बहुत किया, जितना किया, इसी कारण से मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं कुछ पैसे यूट्यूब से अर्न कर पाता हूँ। लेकिन मैं आज कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सब कुछ इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ, आखिर क्या मतलब है मेरा इतना बोलने का, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, क्या मैं क्या नहीं कर पा रहा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने चैनल पे आपको पता होगा कि रेगुलर एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जब रेगुलर वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ तो कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं आपके वीडियो को प्रमोट करूँगा, जहाँ से आपको 200-300 व्यूज़ में फ्री में दे देता था और कुछ सब्सक्राइबर भी दे देता था, साथ ही साथ वॉइस टाइम भी मैं फ्री में दे देता था। लेकिन रिसेंट मैंने अनाउंसमेंट किया कि मैं अब आपको कम्युनिटी टैब भी वायरल करके दूंगा, अगर आप कम्युनिटी टैब शेयर करते हैं, मुझे मेंशन करते हैं, तो मैं आपको 4 से 5 हज़ार वोट फ्री में दूंगा। और नॉर्मल सी बात है, 4 से 5 हज़ार वोट जब आपको फ्री में मिलेंगे ना, तो वहाँ पे 100 सब्सक्राइबर तो आपको 100% मिलेंगे, तो उस 5 हज़ार से आप अपने चैनल को ग्रो करके 50 लाख तक में भी लेके जा सकते हो, अगर आपने दिमाग लगाया और आपने मेरी ट्रिक को यूज किया तो। अब मैं किस तरह से क्या कर रहा हूँ वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं किस तरह से आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको किस तरह से बढ़ा रहा हूँ वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ, सब प्रूफ के साथ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ कि भैया ये विनर है, और उसके बाद जो कहानी स्टार्ट होता है टेलीग्राम पे अलग, इंस्टाग्राम पे अलग, भैया मैं मेंशन हूँ मेरे साथ चीट कर रहे हो, मुझे ये पैसे खा लिए है, वो कर लिए। अरे यूट्यूब ने हमें फीचर्स दिया है YT स्टूडियो, जहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि न्यू ईयर्स फर्स्ट हम करके सबसे लास्ट में अगर जाएंगे तो उनका ही फर्स्ट कमेंट हमें शो होगा जिनका सबसे पहले है। वो प्रूफ दिखाने के बाद भी बोलते हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, भैया आप इतना यकीन हम पे नहीं कर रहे, आपके लिए हम इतना कर रहे हैं प्रूफ के साथ आपको। और कुछ ऐसे सब्सक्राइबर तो वो हमको बोलते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो प्ले करके हमको दिखाइए अपने अकाउंट से कि मेरा कमेंट शो हो रहा है नहीं, तो मैंने उनको वो भी करके दिखाया। मैं नाम यहाँ पे शो नहीं करवा रहा हूँ किसी को, उससे मेरा एडसेंस अकाउंट डिसेबल तक हो सकता है, आपको भी पता होगा खुद की वीडियो अगर खुद से देखो तो आपका एडसेंस अकाउंट तक डिसेबल हो सकता है, लेकिन मैंने उसके लिए ये तक करके दिखाया। और जब मैंने वो दिखाया तो उसके बावजूद भी बोलता है यूट्यूब का ये बहुत बड़ा गंदा फीचर्स है, ये है वो है, मेरा कमेंट सबसे लेट हो गया। आप कमेंट लेट करेंगे तो आपका कमेंट ले ही थी सो होगा ना, तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करूँगा कि प्लीज़ अभी तक जितना सपोर्ट किया हो ना, मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करता हूँ। और जो पेमेंट आती है आपको पता है कि 70-80% हम क्या करते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं, वैसे हेल्प करते हैं हम। रिसेंटली हमने लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन किया था, वहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन आए जिनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, किताब लेना था, उनको ट्यूशन फी देना था, उन्होंने 6,000 का डिमांड किया और उनको मैंने 3,000 पेमेंट किया क्योंकि मेरे पास इतना नहीं था। तो इतना भला कौन करेगा यार, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करूँगा कि प्लीज़ ऐसा करना बंद करो ताकि मैं आगे आपके लिए और भी बेस्ट कंटेंट ला पा रहा हूँ। आपको पता होगा कि धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट सब कुछ कर रहे हैं, मेरे पास स्टूडियो नहीं है, स्टूडियो बनाना होता मैं कब का बना लेता, लेकिन आपको पता होगा कि मेरी पेमेंट कहाँ पे जाती है, किस तरह से मैं गरीब में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो उसके कारण से कुछ प्रॉब्लम हो रही, अन्यथा मैं इतने में सेटअप चमकाने को रहता अदर क्रिएटर की तरह तो मैं कब का चमका लिया होता। तो बस हाथ जोड़ के विनती है कि सपोर्ट बनाओ और इस तरह के एलिगेंस मत लगा झूठे कि भैया मैं फर्स्ट कमेंट हूँ। बहुत हर्ट होता हूँ कि जब एक क्रिएटर को बोला जाता है कि आप पैसे लेके उसका कर रहे हो वो कर रहे हो, भैया नहीं कर रहा हूँ ऐसा, आप कौन और वो कौन, प्लीज़ बात को समझिए।